सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. सो हमारी बॉडी में मेजर, अब पूरे चैप्टर में हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करे हैं, सो अब तो आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए. तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, अब हम इन सब की डिटेल्स वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं कि किस किस से क्या क्या चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें किस किस में प्रेजेंट होती है ना. अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, नेम दी फॉलोइंग. सो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको उसे बताना है किसकी बात हो रही है. जैसे कि द फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. सो अब इन पांच न्यूट्रिएंट्स में से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी देते हैं? आपको याद है जब हमने सबसे पहले ने डिस्कस किया था, तो जो फर्स्ट हमने कैटेगरी बनाई थी वो थी एनर्जी गिविंग, और उसमें कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अब फैट्स थे स्टोर्ड एनर्जी, बट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बी पार्ट है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. सो अगेन बॉडी बिल्डिंग वाले में हमने देखा था ये, तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? दैट इज प्रोटीन्स. सो वी राइट प्रोटीन्स. थर्ड वन है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. सो कौन सा विटामिन था जो आई साइट, हमने देखा था ना कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है. सो दैट इज विटामिन ए. आपको ये सब चीजें टिप्स में पता होनी चाहिए. सो विटामिन ए. नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. बोन्स के लिए कौन सा वाला था ना, टूथ डिके हो जाता है या बोन डिके हो जाता है? दैट इज कैल्शियम. सो वी मेंशन कैल्शियम. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन एंड टू. अब आते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस पे.